गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बच्चों, आप सभी कौन से कक्षे में हो? हाँ, आप सभी दूसरी कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ, तो बच्चों, इससे पहले पीरियड में हमने कुछ अध्ययन किया था। क्या किया था अध्ययन? हमने कुछ सीखा था। क्या आपके ध्यान में है? हाँ, तो बच्चों, हमने रू की मात्रा की पहचान की थी। हाँ, तो और हमने रू की मात्रा का इस्तेमाल में किस प्रकार से करना चाहिए ये भी देखा था। सभी बच्चों ने होमवर्क पूरा किया? वेरी गुड। तो बच्चों, उस पीरियड में मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी। कहानी का नाम क्या था? मृग छिप गया। ठीक है, तो ये कहानी तो हमारा आपको सभी को भी मालूम है, मैंने आपको पढ़ाई है। हाँ, तो बच्चों, यदि आप पेज नंबर 44 यानी कि 44 में खा लेंगे तो यहाँ पे आपको अभ्यास दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अभ्यास। तो ये अभ्यास जो है वही आज हम करने वाले हैं और हमारा बहुत ही फेवरेट वर्क जो है हमारे वर्कशीट, उसको भी हम छुड़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो चलो देखो ये अभ्यास में क्या लिखा हुआ है। तो मृग छिप गया, मृग छिप गया। इसमें से हमारा पहला सवाल है, ऊंची आवाज में पढ़ो। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ शब्द दिखाई देंगे। हाँ, और ये शब्द जो है वो आपको जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आप भी मेरे साथ घर में पढ़ो। किस तरह से पढ़ने हैं देखो। हाँ, इधर ध्यान दो और आपकी जो उंगली है वो कहाँ पे होनी चाहिए? आपके पाठ्य पुस्तक पर। हाँ, तो पहला शब्द है ऋतु, ऋषि, वृषभ, ऋचा, कृषि, घृत, तृण और कृषभ। और एक बार देखेंगे। हाँ, फिर से ऋतु, ऋषि, ऋषभ, ऋचा, कृषि, घृत, तृण और कृषभ। ये जो शब्द है ये आपको ऊंची आवाज में पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, पेंसिल फिराकर शब्द पूरे करो। यानी कि आपके पास जो पेंसिल है उसको अच्छे से क्या करना है? इन शब्दों पर आपको ट्रेस करना है। हाँ, और अच्छे से इसे लिखना है। उसके बाद हमारा सवाल है तीसरा, चित्रों के नाम पूरे करो। तो यहाँ पे आपको चार चित्र दिखाई देंगे। कौन से चित्र है? देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे भी चित्र निकाले हैं। तो यह कौन है? हाँ, यहाँ पे सिर्फ ग लिखा हुआ है। तो ग से इस चित्र का नाम क्या है? ग से ग तो बाद में आएगा, इससे पहले क्या आएगा? हाँ, इसके पहले आएगा मृग, यानी कि म को हम क्या लगाएंगे? री की मात्रा। तो ये शब्द बन जाएगा मृग। इस प्रकार देखो कितना प्यारा है ना ये मृग, अच्छा लग रहा है आप सभी को? अच्छा लगा? हाँ, तो इसके बाद दूसरा चित्र है, ये क्या है? आप सभी इसमें रहते हैं है ना? आप सभी, मैं भी रहती हूँ। कहाँ रहते हैं हम सब? घर में रहते हैं। तो घर को रू की मात्रा का शब्द मैंने कौन सा बताया?
पेड़ हमारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है हमारा, है ना। हाँ तो पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। हाँ हमें प्राणवायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और पेड़ लगाने से हमें वर्षा भी मिलती है। हाँ है ना, और पेड़ से फूल मिलते हैं, हमें कई प्रकार के फल खाने को मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए पेड़ हमारे क्या है, मित्र। तो ये पेड़ को हमें रु की मात्रा लगाकर कौन सा शब्द मैंने बताया है, वृक्ष। वेरी गुड। तो हम रु की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा वृक्ष। बहुत ही आसान है ना। हाँ उसके बाद यह चित्र है नृप का, नृप यानी कि राजा। हमने देखा था कि मृग छिप गया, इस कहानी में हमने देखा था कि राजा को रु का शब्द यानी कि कौन सा शब्द, नृप आता है। तो यहाँ पे क दिया हुआ है। हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे नृ, तो ये शब्द बन जाएगा नृप। तो नृप का मतलब है राजा, है ना। हाँ तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रही है, इस बॉक्स में आपको ये सब अच्छे से लिखना है। मेरे साथ एक बार और फिर से दोहराओ, मृग यानी कि हरी हिरण, गृह यानी कि घर, वृक्ष यानी कि पेड़, और नृप यानी कि राजा। ठीक है बच्चों। हाँ तो ये बहुत ही आसान और अभ्यास बहुत ही आसान है ना, तो झट से करो। ठीक है उसके बाद हमारा अगला पाठ शुरू होता है जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, पर इससे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है उसको छुड़ाएंगे, क्योंकि उसको 10 मार्क है। कितने मार्क है, 10, और 10 में से 10 मार्क्स किसको किसको चाहिए, सभी को चाहिए, और आपको मैं अच्छे से बड़ा वाला स्टार दे दूंगी। किसको चाहिए स्टार, मैं इस प्रकार आपको बड़ा स्टार भी देने वाली हूँ, लेकिन आपको ये वर्कशीट अच्छे से छुड़ानी है। हाँ ठीक है तो बच्चों पेंसिल से यह वर्कशीट आपको छुड़ानी है। हाँ तो मैं ये वर्कशीट पढ़कर आपको समझाती हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनो। हाँ ठीक। तो हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, हमारे स्कूल का नाम क्या है, रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेल, और हमारा क्लास कौन सा है, सेकेंड क्लास, और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। उसके बाद यहाँ पे डेट है, तो डेट आपको लिखनी है जिस दिन आप ये वर्कशीट छुड़ाओगे उस दिन की डेट आप वहाँ पे लिखो। ठीक है उसके बाद इसको कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है। उसके बाद आपके नाम लिखना है, आपको आपका पूरा नाम लिखना है, आपका खुद का नाम, अपने पिताजी का नाम, और आपका सरनेम, ये सभी नाम आपको पूरी तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आपका रोल नंबर, रोल नंबर आपको मालूम होगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है उसके बाद हमारा है वर्कशीट यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घटक रु की मात्रा, घटक यानी कि पार्ट, कौन से पार्ट पे ये हमारी वर्कशीट है, रु की मात्रा। ठीक है तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को रु की मात्रा लगाओ। तो यहाँ पे लगभग 5 शब्द है, कितने शब्द है, 5, गिनो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन 5 शब्दों को आपको यहाँ पर फिर से लिखना है और इनको रु की मात्रा भी लगानी है। ठीक है पहला शब्द कौन सा है, घटक। घटक का कुछ मतलब है, मीनिंग है, नहीं है, तो हम यदि घ को क्या लगाएंगे, यह घट शब्द जो है ये हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, रु की मात्रा लगाएंगे, तो वो बन जाएगा घृत, घृत यानी कि घी।
अच्छे से मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो बाकी बचे हुए जो चार शब्द है वो आपको लिखने हैं। हाँ तो दूसरा शब्द है नब्बो, अमत, कशी, अर्घ। इन शब्दों को आपको कौन सी मात्रा लगानी है? रूप की मात्रा लगानी है। तो रूप की मात्रा लगाकर आपको इनको अच्छे से मीनिंगफुल यानी कि अर्थ से भरा हुआ शब्द बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे खाली स्थान पर आपको लिखनी है। हाँ, इसके बाद आप यदि पेस्ट ऑन करोगे तो आपको सवाल दूसरा दिखाई देगा। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है वो भी बहुत आसान है। चलो पढ़ो मेरे साथ। नीचे लिखे कहानी में रुचि मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए। नीचे लिखे कहानी में रुचि मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो यहाँ पे एक कहानी दी हुई है, तो यह कहानी तो आपको मालूम है। हाँ, कौन सी कहानी है वो? मृग छिप गया, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कहानी है। हाँ, वही कहानी यहाँ पे भी दी हुई है ना। हाँ, तो ये कहानी आपको अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ पे रूप की मात्रा है, उस रूप की मात्रा पर आपको क्या करना है? अच्छे से गोला बनाना है। किस तरह से? देखो तो पहला वाक्य क्या है, एक मृग था। एक मृग था, तो आप क्या करोगे? आपकी पेंसिल हाथ में लेकर जहाँ पे वो मात्रा है वहां पर आप क्या करोगे? इस तरह से गोला बनाओगे, है ना। और उसके बाद का जो वाक्य है क्या है? वह ध्रुव चल रहा था, तो ध्रुव व्यास इस तरह से गोला बनाएंगे। गोला बनाएंगे यानी कि सर्कल करेंगे। ठीक है, और ये सब जो काम है वो आप पेंसिल से करोगे और इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि इरेजर से हमारी वर्कशीट बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। इसीलिए आप अच्छे से इसको छुड़ाओ। और जो बच्चे अच्छे से वर्कशीट छुड़ाएंगे उनको मैं क्या देने वाली हूँ? हाँ, मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। सभी बच्चों को ये बड़ा स्टार चाहिए, चाहिए ना। हाँ, तो ये वर्कशीट आप अच्छे से छुड़ाओ। इसके बाद हम अगला जो पार्ट है उसकी हम पहचान करने वाले हैं, लेकिन के बाद। ठीक है बच्चों, तो घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ें।